आप लोग की। इसके बाद आते हैं जेंटलमैन जिनका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली, इनको बंगाल टाइगर भी कहते थे, ठीक है, इंपीरियल स्टेट खुद को बंगाल टाइगर कहते थे। एंड व्हेन ही केम टू इंडिया ही केम विथ अ पॉलिसी ऑफ फॉरवर्ड पॉलिसी का जो पूरा का पूरा थॉट लेके आए हैं। एंड ही इज एट्रिब्यूटेड दैट ही मेड द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया इन टू द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया, ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया इन टू द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया। He was the one who converted. क्यों? क्योंकि इनका एक जो सबसे मेन थियरी था जिसे कहते हैं सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि का जो पूरा का पूरा जो तिकड़म इन्होंने अच्छी तरह से जो उसका जो मायाजाल रची थी उसी के कारण इसको अट्रीब्यूट किया जाता है। द सिस्टम दैट ही अडॉप्टेड टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव वॉज सब्सिडरी अलायंस। ओके, सब्सिडरी अलायंस हमने पिछले क्लासेस के अंदर देख लिया है, हमको ये सब पता है, मराठास का क्या रोल था, निजाम का क्या रोल था, मैसूर के अंदर क्या हालत हो रही थी। इसके साथ साथ जो पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी, इनके जो पहले के जो जेंटलमैन थे जॉन शोर, उनका कुछ हुआ नहीं, तो इसके कारण ही ट्राइड टू डिवॉल्व द होल सिस्टम। नेपोलियन के पीछे इनको डर लग रहा था, हमने ये भी देखा था फ्रांस का, एंड इसके कारण ही रिवर्स द नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी, और इसके कारण ही ये सब्सिडरी अलायंस यहाँ पे लेके आए। ओके, तो पॉलिटिकल कंडीशन अगर आपको पूछा लॉर्ड वेलेस्ली को लेके तो आप थोड़ा बहुत लिख पाओगे। सब्सिडरी अलायंस, चौथा एंग्लो मैसूर वॉर और दी सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, वो भी ये तीनों के तीनों युद्ध इनके दौरान ही हुए थे। ओके, इवेल्युएशन अगर वेलेस्ली का देखा जाए, ही इज ओनली कंसर्न विद द पॉलिटिकल एस्पेक्ट। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर बिल्डर्स दैट इंग्लैंड कुड एवर प्रोड्यूस, कन्वर्टेड द ब्रिटिश एम्पायर इंडिया टू ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया, ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड द ब्रिटिश पैरामाउंट्स इन इंडिया, और साथों साथ जो इंडिया के स्टेट्स के अंदर जो वीक स्पॉट्स थे उसको अच्छी तरह से उसने आइडेंटिफाई किया है। ओके, सो पॉलिटिकल वे के अंदर अगर आपका लॉर्ड वेलेस्ली का कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ गया तो आप थोड़ा बहुत दो चार लाइनें इसके अंदर लिख सकते हो गवर्नर जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन से लेके इंपीरियल पावर तक की जो पूरी की पूरी जर्नी थी उसको अच्छी तरह से कंसोलिडेट करने के पीछे भी आपके लॉर्ड वेलेस्ली का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। इसके बाद फिर से मार्क्स कॉर्नवालिस जो आपके चले गए थे 10 साल पहले, उनको वापिस भेजा जाता है, पर 6 महीने के अंदर ही वो लुढ़क जाते हैं और नए गवर्नर जनरल आते हैं जॉर्ज बेलो। जॉर्ज बेलो का ही मदद लेके उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव कोड बनाया था जिसका नाम था कॉर्नवालिस कोड, तो सरकार भी उनको मदद कर देगी। वेलोर के अंदर एक म्यूटिनी हुई थी, आपका जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ सोल्जर्स रिवॉल्ट, उसके पहले वेलोर नाम की जो जगह है साउथ इंडिया के अंदर, वहां पे भी एक म्यूटिनी हुई थी जिसे कहते हैं वेलोर म्यूटिनी ऑफ 1806, ऑल्सो टुक प्लेस ड्यूरिंग हिज एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद और भी गवर्नर जनरल आएंगे, लॉर्ड मिंटो करके एक जेंटलमैन आते हैं, वो आपके जो पंजाब स्टेट है ट्रीटी ऑफ अमृतसर इनके साथ कर देगा, साथ साथ जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है वो भी आपके लॉर्ड मिंटो के टाइम के दौरान ही पास होता है। ओके, तो चार्टर एक्ट एंड लॉर्ड मिंटो याद रखने की कोशिश करिएगा कि कहां कहां कौन से हुए। इसके बाद एक और जेंटलमैन आए जिनका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स, इज डिफरेंट फ्रॉम वॉरन हेस्टिंग्स मैंने बताया, एंड इसकी भी जो पॉलिसी थी वो फॉरवर्ड पॉलिसी बोली जाती है। बाय दिस टाइम ये मराठास को सब्जुगेट करेगा, इसके साथ साथ यहाँ पे जो मराठा जो गुरखा और पिंडारी जो कम्युनिटी थी उनको भी दबाने की कोशिश करेगा। सो ही इज नोन फॉर हिज एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, जो ब्रिटिश साम्राज्य का जो जो यहाँ पे जो बढ़ावा हुआ उसके पीछे भी इसका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। पहले तो गुरखा के खिलाफ वॉर कर देगा, साथों साथ यहाँ पे जो पिंडारी कम्युनिटी है उनको दबाएगा, मराठा को सब्जुगेट करने के पीछे भी इसका कंट्रीब्यूशन है। मैंने बताया ना कि पिंडारीस का सहारा लेके ही मराठा कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ये कूदता है। टू रीजंस वर देयर, एक तो एम्बेसडर की जो उसका जो खून कर देता है गायकवाड़ वाला, मर्डर कर देता है, तो वहां पे वो इंटरवीन कर देगा, साथों साथ इसके पहले जो सलमान खान जो पिंडारी होता है उसकी मदद करता है, थोड़ा बहुत रिफॉर्म्स भी कर देगा, और उसके बाद हम लोग इसको इवेल्युएट कर देंगे। ओके, गुरखा को लेके इसने एक ट्रीटी की थी जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ सगौली। आपका जो मॉडर्न डे इंडिया का जो तराई रीजन है, भाबर खादर तराई बांगर, पता है ना सबको ज्योग्राफी वाला, तो तराई रीजन जो मॉडर्न डे आज की तारीख में जो काफी इनस्टेबल बोला जाता है क्योंकि ड्यू टू दिस होल मदेसी एजिटेशन विच इज गोइंग ऑन, तराई वाले रीजन के अंदर ही हो रहा है इंडिया नेपाल की जो बाउंड्री है। सो द गुरखा कम्युनिटी वॉज क्लेमिंग कि वो उनका है, तो गुरखा लोग को हरा देगा और हराने के बाद उनके साथ एक ट्रीटी कर देता है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ सगौली। सो आपका जो ब्रिटिश इंडियन कंक्वेस्ट का जो आपका जो नॉर्थ का जो कंक्वेस्ट है, जो हिमालयन का साइड का जो कंक्वेस्ट है, वो आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो मैंने आपको मेन क्लास के अंदर नहीं कराया था क्योंकि छोटा ही टॉपिक था, सो आई थॉट ऑफ कि गवर्नर जनरल्स को पढ़ाऊंगा इसके साथ साथ ही पढ़ाऊंगा। ओके, सो गुरखास गिव अप द क्लेम ओवर द तराई रीजन एंड सीडेड द एरियाज ऑफ कुमाऊं एंड गढ़वाल टू द ब्रिटिश। आपका जो मॉडर्न डे उत्तराखंड है, जो कुमाऊं एंड गढ़वाल दोनों की दोनों वैलीज है, उन दोनों के ऊपर भी
यहाँ पे ब्रिटिश कंट्रीब्यूशन आपका सब्जेक्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। साथों साथ यहाँ पे जो पिंडारी कम्युनिटी थी, पिंडारी मैंने बताया कि वीर करके पिक्चर भी आया था सलमान खान का, और वो पिंडारीज को भी जो मराठा आर्मीज के साथ जो जुड़े हुए लोग थे उनको भी दबाने के पीछे, उनको भी सप्रेस करने के पीछे लॉर्ड हेस्टिंग्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, द मराठा ड्रीम ऑफ एस्टैब्लिशिंग देमसेल्फ एज़ द पैरामाउंट पावर वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ये चीज जानने को मिलेगी कि इनको खत्म कर दिया जाता है, आपकी मराठा कॉन्फेडरेसी को अबॉलिश कर दिया जाएगा, और जो पेशवा की जो पोस्ट थी उसको भी खत्म कर दिया जाता है। दिस वॉज ऑल एट्रीब्यूटेड टू लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के पीछे अगर आपका कहीं ना कहीं जो गवर्नर वाला और वॉर वाला मैच द फॉलोइंग पूछ गया तो आपको आना चाहिए। ही वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग द रैयत वारिस सिस्टम, आपका जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम मैंने बताया, जैसे परमानेंट सेटलमेंट के पीछे आपके कन्वलिस थे, तो रैयत वारिस सिस्टम के पीछे आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ओके, सो ऑल्सो एक्सटेंडेड द पुलिस सिस्टम ऑफ बंगाल इन टू दी अदर एरियाज। तो लॉर्ड कन्वलिस ने जो पुलिसिंग सिस्टम बनाया था ना दरोगा और थाने वाला, वो थाना और दरोगा वाला जो सिस्टम था उसको और एक्सटेंड कराने के पीछे भी इसका पूरा का पूरा जो रोल रहा है। लेटर ऑन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो पावर जो था जो रिड्यूस कर दिया गया था उसको थोड़ा बहुत इंक्रीज कराया जाता है, जो रिजिडिटी आ गई थी सेपरेशन ऑफ पावर का, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑल्सो स्टार्टेड एक्टिंग एज ए मजिस्ट्रेट। तो रेवेन्यू पावर्स खाली कॉर्नवालिस ने इसको दिए थे कलेक्टर को, वो पावर्स वापिस हेस्टिंग्स के टाइम के दौरान कलेक्टर के पास आ जाएंगे। ही वॉज ऑल्सो एनकरेज रिफॉर्म्स के अंदर, सोशल के अंदर देख लेते हैं, यहाँ पे वर्नेक्युलर स्कूल्स की जो शुरुआत हुई थी उसके पीछे भी ये थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करता रहता है। 1817 के अंदर एक कॉलेज खुला था बंगाल के अंदर जिसे कहते हैं हिंदू कॉलेज, और आपके राजा राम मोहन रॉय इज ऑल्सो लिंक टू दिस कॉलेज। एक और आपके थे डेविड हेल करके जेंटलमैन थे, सोशल रिफॉर्मर थे। देन देर वॉज दिस हेनरी विवियन डिरेजियो, ही वॉज ऑल्सो द प्रोफेसर एट दिस हिंदू कॉलेज। तो ये हिंदू कॉलेज की जो शुरुआत थी कलकत्ता के अंदर वो भी इसके साथ लिंक होती है, क्योंकि ही वॉज द पैट्रॉन ऑफ दिस कॉलेज एंड ही वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द अबॉलिशमेंट ऑफ सेंसरशिप एक्ट। मैंने आपको बताया 1799 के अंदर वेलेस्ली ने सेंसरशिप एक्ट लाया था प्रेस का। अगर आप पुरानी स्लाइड्स देखोगे तो 1790s के बाद जो 1800s के बाद जो पूरा का पूरा जो टाइम चला है वो है लिबरेशन पीरियड चलता है। तो दिस गाय वॉज ऑल्सो लिबरल, तो इसको लगा कि भाई प्रेस वेस को हम लोग को इतना दबाना नहीं चाहिए। इवेल्युएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एबल सोल्जर एंड ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर, लिबरल व्यूज ऑन एजुकेशन एंड प्रेस आर कमेंडेबल। अगर आपको लिखा जाए तो कहीं ना कहीं से आप पूछ सकते हो। ऑल्सो ट्राई टू सप्रेस द पिंडारीज मराठास एंड द गुरखास एंड कंप्लीटेड एंड कंसोलिडेटेड द वर्क विच वॉज इनिशिएटेड बाय वेलेस्ली। वेलेस्ली ने जो सब्सिडरी अलायंस करके जो पूरा का पूरा तिकड़म रचा था उसी को ही इसने अच्छी तरह से उसका जो आपका कहते हैं कि वो स्टेटमेंट को कम्प्लीट किया। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर हिस्ट्रीज के बारे में पूछा तो आप लिख सकते हो। इसके बाद एक और जेंटलमैन आते हैं लॉर्ड आर्महर्स्ट, 1823 से लेके 1828 के बीच में। ही वॉज द वन हु फॉट द फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वॉर। इसके बाद जो सेकेंड वॉर होगा वो डेलाउजी के दौरान होगा। ओके, पर पहला युद्ध जो है 1824 से लेके 1826 के बीच में, फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वॉर, एंड ही वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ यांडाबू। अभी दिस एंग्लो बर्मिस वॉर एंड ट्रीटी ऑफ यांडाबू is still linked to the modern day India's northeast problem, जहाँ पे आपका एक स्टेट है असम। असम used to be a princely state ruled by Ahom community, ASHO, ASOM कहते हैं, असोम कहते हैं, अहोम कहते हैं। So when the Britishers were going to Burma, they used this Assamese road, okay, असम से जाते हुए वहां से बर्मा गए। तो वहां से जब वापिस आ रहे थे तो बीच में असम नाम का प्रदेश पसंद आ गया तो उसको annex कर दिया गया। Okay, and as a result, the Assamese people feel that the Assamese annexation into British India was very much discriminatory. क्यों? क्योंकि ये लोग बर्मा जा रहे थे और बर्मा से रिटर्न आते वक्त ये पूरा का पूरा असम नाम का जो राज्य था उसको एनेक्स कर दिया। And as a result, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम अहोम, आपके जो है गोगोई, प्रदीप गोगोई एंड ऑल दिस पीपल, अनूप चेतिया एंड जितने भी लोग हैं, दे आर डिमांडिंग द असम स्टेटस ऑफ प्री 1826। ये डिमांड कर रहे हैं कि अहोम 1826 के पहले जैसा हुआ करता था ना, इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अहोम एम्पायर हुआ करता था, उनका जो छोटा सा साम्राज्य था, ब्रिटिशर्स ने आके उसको एनेक्स कर दिया ब्रिटिश इंडिया के अंदर। तो ये बोलते हैं कि हम लोग आधुनिक भारत के भाग नहीं है, अंग्रेजों ने हमको 1826 के अंदर एनेक्स किया था। तो यू कैन ऑल्सो अट्रीब्यूट लॉर्ड आर्महर्स्ट टू द असम कॉन्फ्लिक्ट। ये जिम्मेदार है ना भाई साहब, इसने अगर असम को इनडायरेक्टली एनेक्स नहीं किया होता
तो असम माइट भी कुछ अलग उसका स्टेटस होता अगर 1947 तक आते आते डायरेक्टली उसका मर्जर हो गया होता नेशन या नेशनलिटी के कारण, ठीक है। बट अभी जो मुद्दा चल रहा है वो ये पूरा का पूरा ये फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वॉर के साथ रिलेट होता है। क्यों? क्योंकि ट्रीटी ऑफ यांडाबू जो हुआ था वो डिस्क्रिमिनेटरी बोलते हैं दी अहोम द पीपल हु आर फाइटिंग फॉर अहोम, ओके, तो अहोम स्टेट के लिए लोग झगड़ रहे हैं। इसके बाद एक और जेंटलमैन आए 1828 से लेके आपके 1835 तक का जो पीरियड था, एंड दिस नेम वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 22 साल की उम्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, 1803 के आसपास मद्रास के गवर्नर भी रहते हैं, और मैंने आपको बताया कि 1806 के अंदर जो वेलोर के अंदर म्यूटिनी हुई, जो पूरा का पूरा जो आपकी जो एक सिपाही संघर्ष होता है, इसके बाद उसको मद्रास से वापस बुला दिया जाता। बट एज यूजुअल मैंने आपको बताया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ भी यही हुआ था, तो इसका भी प्रमोशन होगा, तो मद्रास नाम का स्टेट के अंदर थोड़ी बहुत कुतखलता मच जाती है। उसके बाद इसको 20 साल के बाद वापस भेजा जाता है कि जा सिमरन, अब तू भारत का गवर्नर जनरल बन जा। एंड एज गवर्नर जनरल बेंटिंक हैड इनिशिएटेड एन एरा ऑफ प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स, वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव गवर्नर जनरल्स बोलते हैं इसको भारत के, वो भी देख लेते हैं। ओके, एक तो बेंटिंक का लेके पहले आपको देखना है कि इंडियन स्टेट्स के प्रति इसकी पॉलिसी क्या रही है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इसके दौरान ही पास हुआ। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करता है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर दैट वॉज टच बाय विलियम बेंटिंक वॉज सोशल रिफॉर्म। इसको सोशल ही याद रखा जाता है, बट थोड़े बहुत और कोई मुद्दे रहते हैं तो हम लोग को जानकारी होनी चाहिए। ओके, ही अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन एंड नॉन एग्रेशन विद इंडियन स्टेट्स। ज्यादा कुछ मगजमारी नहीं की, मैसूर नाम के राज्य के अंदर भी थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया था, राजा को पेंशन दे दिया जाता है। चाचर एंड जयंतिया इन ईस्ट, कुर्ग नाम का जो स्टेट था आपका साउथ के अंदर, उसको भी थोड़ा बहुत बैलेंस करने की कोशिश करता है। आपके इंडियन स्टेट्स के अंदर राजा थे पंजाब के रंजीत सिंह, उनके साथ एक ट्रीटी कंक्लूड करता है जिसे कहते हैं इंडस नेविगेशन ट्रीटी, ठीक है। इसके साथ साथ चार्टर एक्ट ऑफ 1833 उसके पीछे जो पूरी यूटिलिटेरियन फिलोसफी थी वो भी बेंटिंक का ही पूरा का पूरा जो आइडियोलॉजी था उसको वो सपोर्ट करता है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आप पुरानी स्लाइड्स के अंदर देख लीजिएगा। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के अंदर जब ये यहाँ पे आता है तो ही रियलाइजेस द फाइनेंसिस ऑफ द कंपनी वॉज डिटेरियोरेटिंग, तो बहुत ही खराब हालत थी, एंड एज अ रिजल्ट ही रिड्यूस द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द स्टाफ। ये सैलरी एंड अलाउंस किसने बढ़ाए थे? कॉर्नवालिस ने बढ़ाए थे। वो कॉर्नवालिस ने जो सैलरी एंड अलाउंसेस बढ़ाए थे स्टाफ के लेके कंपनी के एम्प्लॉयज को लेके वो इसे कम कर देगा। लेटर ऑन ही ऑल्सो अबॉलिश द सिस्टम ऑफ डबल भत्ता, जो आपका अलाउंस मिलना चाहिए आपके जो प्रूफ जो भी सर्विसेज के अंदर थे उसको भी अलाउंस कम कर देगा, एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते थे उनके लोग को। एंड बाय द टाइम ही गोज अवे फ्रॉम इंडिया ही लेफ्ट द ट्रेजरी विद सरप्लस ऑफ रुपीज 1.5 मिलियन, तो करीबन 15 लाख रुपए पॉजिटिव छोड़ के जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो जुडिशियल कोर्ट्स यहाँ पे जो अपने कॉर्नवालिस ने बनाए थे प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील उसको खत्म कर देगा। अब आप देखिए कि हेस्टिंग्स ने दो कोर्ट बनाए, कॉर्नवालिस ने चार किए, और आपका बेंटिंक आके उसको सबको अबोलिश कर देगा। सो कंटिन्यूसली जुडिशियरी के अंदर अगर स्पेसिफिक जुडिशियरी को लेके कहीं से आपको शॉर्ट नोट मिलता है तो यू हैव टू राइट द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द गवर्नर जनरल कि किसके दौरान कहां कहां कौन सा मुद्दा चला जुडिशियरी में। कभी कभी ऐसा होगा कि यूपीएससी पूछेगा कि जुडिशियरी का नेचर कैसा था, देन यू हैव टू राइट कि ये गवर्नर जनरल के दौरान इसका ओरिजिन हुआ, इसने इसको एक्सपांड किया और ये चौथे ने आके उसको बंद करा। सो क्वेश्चंस आर जनरली आपके जितने भी आंसर्स और क्वेश्चंस होंगे वो लिंक करके आएंगे। वैक्यूम के अंदर नहीं पूछेगा कि भाई बेंटिंक ने जुडिशियरी को लेकर क्या कंट्रीब्यूशन किया। कभी कभी प्रीलिम्स के अंदर आ गया तो चलेगा, बट मेंस के अंदर जनरली नहीं आता है। ओके, सो द इंट्रोडक्शन ऑफ लोअर कोर्ट्स इन द एंड इंग्लिश इन द हायर कोर्ट्स वॉज डन बाय द बेंटिंक, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी इंडिया के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज आती है इंग्लिश, ही ऑल्सो वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्च ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, यहाँ के अंदर जो रेवेन्यू सेटलमेंट है उसकी भी लॉन्च के अंदर होता है। सोशल रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं बेंटिंक को लेके। बेंटिंक का नाम जो है सबसे ज्यादा इमोर्टल बोला जाता है, अमर बोला जाता है, वो है तीन चीज को लेकर। एक तो था सती, दूसरे थे थग्स, एंड द थर्ड वन वॉज फीमेल इन्फेंटिसाइड। जनरली फीमेल इन्फेंटिसाइड को लेके मद्रास के अंदर तो 1802 के आसपास ही एक रिजोल्यूशन पास कर दिया जाता है, बट उसको अच्छी तरह से इम्पोज कराने वाला इंसान था वो था विलियम बेंटिंक। एक टाइम के अंदर बंगाल के अंदर 800 से ज्यादा आपके सती के केसेस आते थे, और इसी के कारण इसको लगा कि मुझे ये अवॉइड करना चाहिए, इसे बंद करना चाहिए। फाइनली 4 दिसंबर 1829 को ये सती को प्रोहिबिट करने के लिए रेगुलेशन पास कर देगा। एनीवन हु विल प्रैक्टिस सती वाज लायबल फॉर पनिशमेंट बाय लॉ कोर्ट्स। अगर किसी ने सती को फॉलो किया, उसकी प्रैक्टिस की, तो उसको कायदे कानून, ठीक है, उसको उस तरफ से सजा मिली जाएगी।
4 दिसंबर 1829 तारीख याद रखेगा, अगर आप जीपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर देखोगे तो उसमें उसने ये तारीख पूछ ली थी, तो बहुत जज्बाती हो गया था जीपीएससी वाले। यूपीएससी वाले तो नहीं हो गए कि ये 4 दिसंबर, उसने शायद दिन भी पूछा था, मंडे पूछा था क्या पीछे, मंडे दे हैव टेंडेंसी टू आस्क दिस काइंड ऑफ ट्विस्टेड क्वेश्चन, सो कॉल्ड ट्विस्टेड क्वेश्चन। ओके, बाय 1830s दिस रेगुलेशन वॉज एक्सटेंडेड टू अदर प्रोविंसेस ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज एज वेल। ओके, तो अलग अलग प्रोविंसेस के अंदर इसका और फैलाव होता है। साथों साथ यहाँ पे जो ठग थे, ठग मतलब आपके जो मॉडर्न डे गब्बर सिंह आपको पता होगा, ठीक है, तो रास्ते में आते जाते लोगों को लूटते रहते थे ये लोग। तो लॉर्ड लॉर्ड विलियम बेटिक आता है और वो देखता है कि ये रास्ते में लूट लेते हैं जो ट्रैवलर्स है, तो उनको भी सप्रेस करने की कोशिश करेगा। ओके, सो मोस्ट कमेंडेबल प्रेसेस दे वर हेरिडेटरी रॉबर्स, गब्बर सिंह जैसे लोग हुआ करते थे, एंड दे वर स्ट्रैंगुलेटिंग एंड रॉबिंग पीसफुल ट्रैवलर्स, एंड एज अ रिजल्ट एक इसके जो मित्र होते आर्मी के जिनका नाम था स्लीमैन, तो कर्नल स्लीमैन की मदद लेके 1830 के अंदर ये जितने भी ठग लोग थे उनको दबाने की कोशिश करता है। ओके, फॉर हिज रोल अगेंस्ट दिस ऑपरेशन सर विलियम स्लीमैन वाज नोन एज ठगी स्लीमैन। बोले आपने गुजराती में नहीं कहते ठग माणस से, ओके, ठग वाड़ो आनो नाम हतु ठगी स्लीमैन, याद रखियो ठगी स्लीमैन ने लेने यूपीएससी प्रश्न पण पूछेलो छे। विलियम बेंटिक का एक और जो सोशल सेक्टर के अंदर कंट्रीब्यूशन था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन 1835 मैकॉलेज मिनट, उस टाइम के अंदर भी गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था आपका, विलियम बेंटिक। सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ लॉर्ड विलियम्स बेंटिक इन एडमिनिस्ट्रेशन, ही ऑल्सो वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ दिस कमिटी विच वॉज हेडेड बाय लॉर्ड मैकॉले। साथों साथ गवर्नमेंट रिजोल्यूशन 1835 के बाद जो भी आया उसने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। हमने मॉडर्न एजुकेशन के अंदर ये पूरी की पूरी चर्चा कर ली थी। 1835 के अंदर जो कलकत्ता के अंदर मेडिकल कॉलेज है उसकी भी जो नींव है, उसका जो फाउंडेशन है, वो भी विलियम बेंटिक के साथ एट्रीब्यूट होता रहता है। इवेल्युएशन अगर देखोगे तो बोला जाता है कि टू ही वॉज वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, अपराइट, बेनेवोलेंट एंड वेरी सेंसिबल मैन। बड़ी बड़ी बातें तीन चार शब्द लिख दिए, ऑल द एडजेक्टिव्स। सोशल रिफॉर्म्स सच एज अबोलिशन ऑफ सती, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्रीफाइस एंड ऑल्सो अदर थिंग्स कॉल्ड एज थग्स एंड ऑल दिस थिंग्स, उसने बहुत अच्छा काम किया है। सती को लेके तो वो अपनी खुद की पोजीशन को भी, उसके ऊपर जब क्वेश्चन उठ गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को लेके, बिकॉज सती को लेके ऐसा है कि इसके जो मित्र थे राजाराम मोहन रॉय, उसको राजाराम मोहन रॉय ने इनको कन्विंस किया कि आप इसको बंद करो। लेटर ऑन राजाराम मोहन रॉय ऑल्सो ट्रेवल टू ब्रिटेन एंड एड्रेस द ब्रिटिश सोसाइटी कि इफ यू आर रूलिंग फॉर द गुडनेस ऑफ द इंडियन पीपल देन यू शुड अबॉलिश दिस क्रूअल सिस्टम ऑफ सती। ओके, सो उसको लेके बहुत सारी बवंडर मच गई थी इंग्लैंड और भारत के अंदर, और ऐसा भी बोला जाता है कि इसके ऊपर तलवार गिरने वाली थी विलियम बेंटिक, बट ही वॉज वेरी मच एडमेंट कि कुछ भी हो जाए मैं इसको सप्रेस मतलब इसको बंद करके ही रहूंगा। इंपॉर्टेंटली इसके लिए पॉजिटिव चीजें तो देखने को मिलती है, बट हमको जो ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री लिखेंगे तो हमको यही लिखना है कि दो ही वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडियन पीपल बट वी शुड नॉट नेवर फॉरगेट दैट ही वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्पायर। और एम्पायर कैसा था, इट वॉज वेरी क्रूअल। एम्पायर का ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम लोग को इंडिया एजुकेशन तो दिया, एजुकेशन कैसा था, ही वॉन्टेड टू एंग्लिसाइज इंडियन पीपल। सो इंपॉर्टेंट यही चीज है कि वेन यू ट्राई टू इवेल्युएट एनी ऑफ द गवर्नर जनरल, दो दे हैव डन सम गुड वर्क्स, एट द एंड ऑफ द एनी कंक्लूजन के अंदर आपको यही लिखना है कि किसने भी इतना बड़ा बड़ा काम कर दिया हो, बट अल्टीमेटली ये किसके प्रतिनिधित्व करता था, ये ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता था, और ब्रिटिश साम्राज्य भारत के लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है, वो सिंपल चीज है, दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ब्रेक लेना है 5 मिनट।